सांसों को जैसे तू मिला हो, जैसे इकरार हुआ, प्यार हुआ। और ये है कहानी खुद सर की। आज हम शाजमा की कारिस्तानियों पे कहानी लिखेंगे। शाजमा भी आपने बहुत तंग किया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है रिव्यू करने से पहले कि क्या कोई इतना बदतमीज़ हो सकता है, इतनी शाजमा है जितनी वो होशियार बनने की कोशिश कर रही है और सारों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। खुद सर ड्रामा रात 9 बजे ARY पे आता है, ऑन ARY डिजिटल। ड्रामा मैंने पूरा देखा है। ड्रामे में अनगिनत पोरियाँ हैं। पोरियाँ जानते हैं ना आप, पोरियाँ फजूल गपड़ियाँ, फजूल बातें, बट स्टिल ये ड्रामा अट्रैक्ट करता है बहुत सारी स्टोरीज की वजह से। इस ड्रामे में कोई 50-60 अदाकार काम कर रहे हैं इस वक्त। इतनी ज़्यादा कास्ट है कि आप गिनने बैठ जाओ कास्ट ख़त्म नहीं होती है। बट शाजमा उभर के सामने आई है। कहानी है एक ऐसी लड़की की जो खुद सर है और अपनी बदतमीजियों में कितने लोगों को मरवा गई है, काम खराब कर गई है, जोड़े जला गई है, शादियां टूटवा गई है, और क्या चाहिए उसको। लेकिन हमारे जो ड्रामा के कैरेक्टर मेल्स हैं उन सब के आँखों पे पट्टी बंधी हुई है। हमारे ड्रामा में दिखाते हैं कि मेल्स दुनिया का सबसे स्टुपिड तरीन क्रिएचर है, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो सिर्फ माँ और बहू के और बीवी के इशारों पर चलता है। ऐसा होता है क्या लाइफ में? आई डोंट थिंक सो। खुदसर ड्रामा हिट क्यों हुआ, आइए कुछ वजूहात जानते हैं। ग्लैमर, द लीड एक्टर जुबाब राना इज़ अ गुड स्टार, फेम शी हैज़, देन सम गुड नेम्स लाइक हुमायूं अशरफ, इमरान असलम एंड सम अदर गुड नेम्स, दे आर वर्किंग इन द स्ले, रेस्ट ऑल आर न्यू कास्ट। बहुत सारे नए कास्ट इसमें शामिल, जिनको एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती, लेकिन हाँ बिकॉज नेपोटिज्म है, लिंक्स है, तो चल जाता है। कोई किसी की बेटी है, कोई किसी का खावंद है, कोई किसी का अंकल है, कोई किसी का वो है, वो सब चलता है हमारी इंडस्ट्री में। और आप अच्छे एक्टर्स को छोड़कर ले आते हैं नए फजूल एक्टर्स को, इनको एज एन एक्टर्स कोई एक्टिंग नहीं आती है। शाजमा की रोंदियाँ, शाजमा का रवैया, शाजमा की बोंगियाँ अरूज पे रहीं और आज 60 किस्तें होने जा रही हैं। ड्रामा स्टिल इज़ रनिंग सक्सेसफुली बिकॉज आप लोगों ने देखी उसकी बोंगियाँ। जिस ड्रामे में लड़कियां रोती हैं, पिटती हैं, गिरती हैं, मरती हैं, ड्रामा हिट हो जाता है, वही हुआ खुसर के साथ। शाजमा शाजमा करते करते 50-60 किस्तें हो गई हैं, लेकिन ड्रामा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। माँ मर गई, भाभी का बच्चा मर गया, बहन का जोड़ा जल गया, खावन तबाहकुन स्टेज पे आ गया, यार सब कुछ हो रहा है लेकिन शाजमा नहीं रुक रही है, शी इज़ अनस्टॉपेबल। ऐसे अब सवाल ये उठता है कि ऐसे ड्रामे हिट क्यों होते हैं? बिकॉज पीपल वॉन्ट ग्लैम, ग्लैमर, जुल्म होता हुआ लोगों को पसंद आता है, लोगों को जुल्म पसंद आता है, लोगों को रोना पसंद आता है, लोग रो रहे हैं, लड़कियां रो रही हैं, लोग हिट करवा रहे हैं उस ड्रामे को। जुल्म हो रहा है, मारे पड़ रही हैं, लोग ड्रामा हिट करवा रहे हैं। दिस इज द मेन रीजन द ड्रामा क्लिक्ड। बट स्टिल ड्रामे में बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स हैं। हर ड्रामे, इस ड्रामे का हर मेन करेक्टर अकल से आ रही है। They think females are running the home. कुछ समझ नहीं किसी को आता। ड्रामे का OST अच्छा है जो रहमा अली ने गाया है, माई फ्रेंड एंड अ वेरी गुड सिंगर। रामा, यू हैव डन अ गुड जॉब। सपोर्टिंग कास्ट अच्छी है, सब एक्टिंग कर रहे हैं। ड्रामा थोड़ा फिल्मी है जो देखने वालों को अपील करता है। बट अब माई सजेशन, खुसर को ख़त्म कर दें इससे पहले कि हमारी दिमाग की नसें फट जाएँ जुल्म देख देख कर। Still she is doing the zulm and all. खुद सर को बंद करते हैं खुदा के लिए, हमें ना खुद सर करें, बाकी तो खैर है। कोई नया ड्रामा लाएं सुकून वाला ताकि मज़ा भी आए। किस्मत अच्छी आपकी है कि साथ में हाबील काबील चल रहा है और वहाँ पर सलाहुद्दीन अयूबी चल रहा है और सल्तनत चल रहा है, तो आपको चांस रेटिंग के मिल जाते हैं, वरना ड्रामा और डब्बा हो जाता। Anyways, on my masala meter, the drama rating is 6.5/10. Max कभी कभी 7 हुआ है बीच में, लेकिन 6.5 is a good rating for खुद सर। Now please end this play, don't drag the play, और इसको ख़त्म कर दे। Acting wise बात करूँ तो शाजमा के role में जुबाब is good acting कर रही हैं, वो अच्छी acting करती हैं। हुमायूं अशरफ का नाम ही काफ़ी है, he is such a giant actor. इमरान असलम is a giant actor. बाकी सब normal काम कर रहे हैं इस ड्रामे में, जिस तरह वो कर सकते थे बेचारे वो कर रहे हैं। No नुमाया, nothing at all, right? सो गाइज, गुड लक फॉर द नेक्स्ट रिव्यूज। हम मिलते रहेंगे आपसे और हम आपको ड्रामों के तीये पांचे और रिव्यूज़ करते दिखाई देते रहेंगे। और जब इजाज़ वारिस बोलता है
तो शायद सच ही बोलता है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता, और सच कड़वा भी होता है, माइंड इट। प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियोज एंड चैनल। बाय बाय।